हेलो सांग माने, वेलकम टू एसबीएम कोचिंग सेंटर। सांग माने, आज आम ए वीडियो रे आलोचना करिबा तुम नवम श्रेणी साहित्य बहीर एकांकिका विभाग दूर पहाड़। एही दूर पहाड़ समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ता पूर्वर वीडियोटी स्टार्ट करिबा पूर्वर सांग माने आपण मन कहि दउछि जे जदि वीडियोटी भल लागे ताले वीडियोटी को लाइक कर देबे एवं जदि आपण माने एमितिका समस्त श्रेणीर प्रश्न उत्तर जानिबा को चाहूँचंती ताहले एबे ए चैनलटी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबे ऑल नोटिफिकेशन को क्लियर क्लिक कर दिंतु। सांग माने जहाँ फल कि मु जेतेबेले कोनोसी वीडियो अपलोड करिबे ताहले सर्वप्रथमे आपण माने ए वीडियो को देखि परिबे। चलंतु डेरी न करी वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। एक नंबर प्रश्न हैला विमल बाबू वीणा को ढिंकी स्वर्ग को गले भी धान गुटे कहिबार तात्पर्य कौन। विमल बाबू वीणा को ढिंकी स्वर्ग को गले भी धान गुटे बोली कहिबार तात्पर्य होची विमल बाबू आसिस्टेंट सेक्रेटरी पद को पदोन्नति पाइबा परे घर काम रे पत्नी को साहाज्य करिया पई दुई जन चाकर चाकरानी रखिथिले। से चाहूनथिले जे निम्न मध्यवित्त परिवारर स्त्री लोकों पर स्त्री हाथ में झाड़ू धरी घर सफा करतु बा नला सफा करतु किंतु वीणादेवी घर कम कर अभ्यास बहु पुराणा थी से सही अभ्यास को छाड़ पार विमल बाबू से दिन अफिश्रु फेरी जिते बड़े देखिले पत्नी हाथ में झाड़ू धरी नला सफा करने कम लगे से तात्सल्य पत्नी को कहिछंति जे ढिंकी स्वर्ग को गले भी धान कुटे। ए थिला एक नंबर प्रश्न। चलंतु दुई नंबर प्रश्न को जीवा। दुई नंबर प्रश्न रे कहिछि हरेन्द्र बाबू किए ओ से की हरेन्द्र बाबू किए ओ से कौन करते। हरेन्द्र बाबू विमल बाबू को बाल्य बंधु से एडीएम बा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भावे कटक अवस्थापित थिले। तापर तीन नंबर प्रश्न सुमित्रा देवी आकंठ सुखपान करुछंती बोली हरेन्द्र बाबू काहिंकि कहिले। सुमित्रा देवी केमिति अछंती बोली विमल हरेन्द्र को पचारिबारु हरेन्द्र तांको कहिछंती जे सुमित्रा देवी बेस आराम रे अछंती कारण तांकर कौनसी संतान संतति नथिबारु पिला छुआ जंजाल रु भगवान मुक्त मुक्त कर हरेन्द्र बाबू कही तेणु से स्वच्छल भाव अतुट स्वास्थ्यर अधिकारिणी हो आकंठ सुखपान कर हरेन्द्र बाबू कही। सांग देखा चारि नंबर प्रश्न। चारि नंबर प्रश्न हूँ कारण न थे कार्यर उत्पत्ति यह हरेन्द्र बाबू विमल बाबू को कहार उद्देश्य कौन। जेतेबेले हरेन्द्र विमल को भलमंद खबर पचारिचंती विमल बाबू तांको खबर एकदम नास्ती बोली कही सबकि भल चली भी विमल बाबू को एपरी कहिबार अभ्यास बहु पुराणा बोली हरेन्द्र जानिथिले। विमल बाबू नुआकरी बाहा हेबार मासक परे पत्नी वीणाकर समालोचना करिबा आरंभ कर दिथिले एकथा हरेन्द्र जानिथिले तेणु विमल बाबू जेतेबेले हरेन्द्र आगरे वीणादेवी संबंध रे समालोचना कर समालोचनामूलक मंतव्य प्रदान करुथिले सेतेबेले हरेन्द्र तांको मने पकाई दैथिले जे से केमिति विवाहर मासे न पूर्णु पत्नी को समालोचना आरंभ करिथिले। विमल बाबू निज सपक्ष रे जुक्ति बाढ़ीथिले जे से यथार्थ कारण न थाई सेहिपरि समालोचना करिथिले किंतु हरेन्द्र विमल जुक्ति को खंडन करी कही थिले जे कारण न थाई कार्यर उत्पत्ति मध्य होई पारे। विमल बाबू पांच नंबर प्रश्न हला विमल बाबू वीणादेवी ठारु कौन आशा करती। विमल बाबू वीणादेवी ठारु जथेष्ट सेवा जत्न आशा करुथिले से चाहूथिले जे से जेतेबेले ऑफिस जिबे वीणादेवी सेतेबेले तांकू जोता मौजा पिंधाई देबे ऑफिस रु फेरिले गोड़ जोता मौजा काढ़ीदे हालिया हो बसी बेले बिंचीदे स्नेह सरागर ताकू चा जलखिया परसीदे।
6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है राजीव विमल बाबू को क्योंथि लगे प्रवताइले। यार उत्तर राजीव नॉर्थ ब्रिटिश कंपनी ओडिशा शाखार जनरल मैनेजर थिले। से निज कंपनी विज्ञापन करने को जाई विमल बाबू को तांको कंपनी दे जीवन बीमा पॉलिसी करे देवा को प्रवताइले। से पुणी विमल बाबू को निज नाम न करी स्त्री नाम पॉलिसी करने को प्रवताइले। एथिला 6 नंबर। तापर 7 नंबर प्रश्न, विमल बाबू राजीव को कि उपदेश देखते ओ काही। विमल बाबू राजीव को विवाह न करने उपदेश देखते कारण तांको मतरे विवाह कले पुरुष बड़ विपद पड़े से यही उपदेश देखते। 8 नंबर प्रश्न है ढिंकी पड़ी 8 गंडा सुखाई देवा को जड़े भेडा। एक पदी काही कहला, पदी और गुरीया विमल बाबू को घरे रही काम करती। दिने पदी कथा प्रसंगे गुरीया को कही जे से आउ विमल बाबू को घरे रही कारण तार बयस हो गलानी। से बेले गुरीया ताकु चेताई जे घर समस्त कार्य बा समस्त पाईटी बासी पाईटी माँ अर्थात वीणा देवी करुछंती खाली बसीचि। गुरीया ठारु एपरी कथा शुणब बोली पदी के भावि नथिला। तेणु से गुरीया उपरे रागी जाई ताकु पालटा जवाब देथिला जे से घर समस्त कार्य करुथुबा बेले गुरीया आखि को से सब दिशु नाही। एही प्रसंगे पदी ढिंकी पड़ी 8 गंडा सुखई देवा को जड़े भेडा बोली कहिथिला। तापरे 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर हैला विमल बाबू को गोड़ काही कटकट करुथुला। विमल बाबू पत्नी वीणा देवी ठार सेवा जत्न आशा करुथिले मन मुताबक सेवा पाउन थिबारु योजना मुताबक चपल बाहर को चपल मन मुताबक सेवा न पाउथिबारु योजना मुताबक चपल दुकान को जाई नुआ फिताबाला जोता हळे किणी ताकु कसी करी पिंधिछंती एवं घर को आसछंती सेथि पई तांकर गोड़ कटकट करथुला। तापर देखिबा 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है विमल बाबू झीओ मीना आगरे कि अभियोग करिछंती। विमल बाबू पत्नी ठारो इच्छा मुताबक सेवा जत्न पाउ नथिबारु निजर असंतोष झीओ मानक पाखरे वक्तव्य करिछंती। से कहिछंती जे घरे तांकर कथा घरे तांको कथा केही बुझुनाहंती विशेष करी वीणा देवी तांकु टिके आड़ आखिरे चाहूनांती कि पचारूना अभियोग थिला जे से कला और चंदा हेथिबारु वीणा देवी तांकु घृणा करुछंती। वीणा देवी सुंदरी बोली तांको मनरे खूब गर्व सेथिपई से विमल बाबू को पचारूनांती बोली अभियोग करथिले विमल बाबू का उपरे निज झियो मीना उपरे। 11 नंबर प्रश्न, झीओ माने बो को समर्थन करुछंती बोले विमल बाबू काहेकि कहिथिले। जेते बेले विमल बाबू झीओ मीना आगे अभियोग करी कहिथिले जे से कला और चंदा होइथिबारु वीणा देवी तांको घृणा करंती सेथिपई से सेवा जतन करबा को चाहू नाहंती एवं सुंदरी बोली वीणा देवी खूब गर्व अनुभव करंती। सेतेबेले झीओ मीना तांकर एपरी कथा को समर्थन न करबा को विमल बाबू झीओ माने बो को समर्थन करुछंती बोली कहिले। तापरे 12 नंबर प्रश्न, झीओ मानकर पढ़ा बंद कर देबे बोली विमल बाबू हठात काहेकि कहिथिले। विमल बाबू पत्नी वीणा देवी को ऊपर रागी से राग को झीओ मानक ऊपर सुझाइबा को जाई झीओ मानक पाठ पढ़ा बंद कर देबा कहिथिले। झीओ माने पाठ पढ़ी अधिक स्वाधीनता हो जाछन्ती बोली तांकर धारणा जन्मिछि। तांको मतरे जे पढ़ा पति परम गुरु बा पति देवता विषय रे शिक्षा दिया जाउ नाही से पाठ पढ़ा रे किछि मूल्य नाही तेणु से सही परी पाठ को किछि सही पाठ को पढ़ी किछि लाभ मध्य नाही सेथि पई से झीओ मानक पाठ पढ़ा बंद कर देबे बोली हठात कहिले। तापरे 13 नंबर प्रश्न, उच्च शिक्षिता हेले मध्य
ମଣିଷ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ନ ପାଇ ବିମଳ ବାବୁ ଘରେ ଯେଉଁ କାରନାମା କରେ ଚଳାଇଲେ, ସେ କଥା ମୀନା ଠାରୁ ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ହରେନ୍ଦ୍ର ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ସେବା ପାଉଥିବାର ଯେଉଁ କଥା ବିମଳ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କହିବାର କଥାର ମର୍ମ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ବିମଳ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଜୋତା ମୌଜା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କ୍ଲବକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୋତା ମୌଜା ଗୋଡ଼ରୁ କାଢ଼ି ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କର କୋଟ୍, କାମିଜ, ଗେଞ୍ଜି ଆଦି କାଢ଼ି କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି? ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାଗିଗଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଓ ନାକ ଆଦି ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବିମଳ ବାବୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ହରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 14ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିମଳ ବାବୁ ନିଜକୁ ବୋକା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ବିମଳବାବୁ ବନ୍ଧୁ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଭାବି ଆସିଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ହରେନ୍ଦ୍ରର ଖୁବ୍ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଧାରଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବୀଣାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ନାନା କଟୁ କଥା କହିଥିବାରୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବୋକା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 15ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୀନା କାହିଁକି କହିଲା? ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୀନା କହିଲା କାରଣ ଦୂର ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପରି ବିମଳ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ସୁନ୍ଦର, ସୁଶୀଳ, ସୁଗୃହିଣୀ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ମାତ୍ର ବୀଣା ଦେବୀ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବିମଳ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ହେୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ବଦଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ 16ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଦୂର ପାହାଡ଼ ରଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ ଦୂର ପାହାଡ଼ ରଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦୂର ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଜାଣିବେ। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଦୂରରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ପାଖ ମଣିଷଟି ତାକୁ ତୁଳନା ଲାଗୁଥାଏ ହୀନ, ହେୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରୁ ଭ୍ରମ ଧାରଣାର ପରଦା ହଟାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଓ ପାଖ ଲୋକ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁରାଗରେ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଘଟିଥିଲା ବିମଳ ବାବୁ ଓ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏହି ଦୂର ପାହାଡ଼ ଏକାଙ୍କିକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏମିତିକା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।